गाइस, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। गाइस, आज हम जानने वाले हैं अमेज़न फॉरेस्ट की रियलिटी के बारे में। तो गाइस, 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ अमेज़न फॉरेस्ट अपने अंदर काफी सारी चीजों को लपेटे हुआ है। तो गाइस, अमेज़न जंगल की बात हो और उसमें अमेज़न का सबसे खतरनाक और घातक सांप एनाकोंडा की बात नहीं हो, यह तो हो ही नहीं सकता। अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एनाकोंडा कोई मामूली एनाकोंडा नहीं होता, बल्कि यह तो एक विशाल एनाकोंडा होता है। तो गाइस, अगर हम अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई की बात करें तो यह सांप 24 फीट से लेकर 26 फीट तक हो सकता है। तो गाइस, अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले एनाकोंडा का वजन 440 पाउंड तक हो सकता है। तो गाइस, अमेज़न में बहने वाली नदियाँ एक या दो नहीं है, इन नदियों की संख्या 1100 से भी अधिक है। तो गाइस, अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली 12 नदियों की लंबाई तो 1500 किलोमीटर तक भी है। तो गाइस, अमेज़न फॉरेस्ट का एक फायदा तो हम इंसानों को भी है, क्योंकि पृथ्वी की 15-20% ऑक्सीजन यहाँ से ही मिलती है। तो गाइस, जहाँ तक कि मुझे लगता है आप अमेज़न फॉरेस्ट की काफी सारी चीजों को समझ गए होंगे। तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।